तो फ्रेंड्स वीलॉग तो आपने देखे ही है मेरे चैनल पे, काफ़ी ज़्यादा वीलॉग डालते हैं और आगे भी उम्मीद है कि डालते रहेंगे। लेकिन वीलॉग के साथ साथ एक काम और शुरू कर रहे हैं, प्रॉपर्टी एक्सपोजर का। तो जो भी आसपास घर बने हैं या जो बनवाए जा रहे हैं या ज़मीन है, तो उनकी ज़मीन के बारे में हम आपको दिखाते रहेंगे। तो ऐसे ही एक घर बना हुआ है, दुबग्गा मछली मंडी के पास में है, 2 स्टोरी बिल्डिंग है जिन्होंने बनवाई है। ये जा रहे हैं मेरे काशी भाई, अभी इनसे हम बात करते हैं कितने स्क्वायर फीट में है, क्या प्राइस है, कैसा कंस्ट्रक्ट हुआ है, अंदर क्या क्या है, कैसा इंटीरियर है, सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं लेने में, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये टोकन मनी लेना चाहेंगे, आप कहीं आउट ऑफ सिटी रहते हैं, तो भी बात हो जाएगी। तो सारी बातें आज इस वीडियो में करेंगे और इस तरह की वीडियो भी आप चैनल पर आती रहेगी। और कोशिश करेंगे आज ही की वीडियो के साथ, जैसे बाइक या कार का भी अगर कोई टच में है तो उससे भी बात करेंगे, और नई कार या बाइक जो शोरूम में आती है उसको भी हम आपको डिस्प्ले करके दिखाएंगे, उसका जो प्राइस होगा वो भी बताएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक नई तरह की वीडियो को प्रॉपर्टी से रिलेटेड। और ये देख सकते हैं 2 स्टोरी बिल्डिंग है, जो कि ये हमारे काशिप भाई हैं, इनकी है। और आपको ये मछली मंडी से, ये देखिए बगल में एक रोड गई है, ये सीधी रोड मछली मंडी निकली है, जो कि मछली मंडी से 700-800 मीटर होगी। क्यों काशिप भाई? 700-800, लेकिन अभी कच्ची सड़क है क्योंकि ये अंडर डेवलप एरिया है, नगर निगम में तो आ गया है लेकिन अभी रोड डेवलप नहीं हुई है। लेकिन ये सामने की जो रोड है वो खड़ंजा रोड। तो काशी भाई कितने स्क्वायर फीट में आपकी प्रॉपर्टी है? 750 स्क्वायर फीट में। तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कैसी बनी है अंदर से। तो ये देख सकते हैं पोर्च भी है, लेकिन छोटी गाड़ी आ जाएगी। क्यों काशी भाई? जैसे ऑल्टो या मारुति 800 इतनी गाड़ी, छोटी गाड़ी अगर आपकी i10 या सेंट्रो तक है तो वो गाड़ी आ जाएगी, लंबी सेडान नहीं आ पाएगी। ये बाहर की स्पेस है जो कि 3 फीट है, आप चाहे यहाँ गमले लगाए या और अपने पर्सनल यूज में भी इसको ले सकते हैं। और ये सारी लाइटें हैं, ये देखिए फॉर सीलिंग में भी लाइट जल रही है, फॉर सीलिंग करा रखी है। तो पहला कमरा है जो कि गेस्ट रूम है, देखते हैं उसको, ये सारी लाइटें ऑन करते जा रहे हैं काशी भाई हमारे। तो ये है पहला कमरा प्रॉपर्टी का, गेस्ट रूम है जो कि ये बढ़िया कमरा है, 2 कलर में पूरा रूम को करा गया है, ब्लू और थोड़ा सा लाइट पर्पल की तरफ से। टाइल्स लगी हुई है 2x2 की और फॉर सीलिंग भी आप ये देख सकते हैं, ये देखिए बढ़िया फॉर सीलिंग कर रखी है। और स्पेस कितना होगा काशी भाई इस रूम का, गेस्ट रूम का? 11x13। तो बाहरी कमरा जो है 11x13 का कंप्लीट कमरा है। और 2 पावर प्लग दे रखे हैं, साइड में भी आपका मोबाइल चार्जिंग और बाकी स्विच और फैन का स्विच दे रखा है। तो बढ़िया कमरा है, आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लोर करते हैं जल्दी जल्दी पूरे घर को और दिखाते हैं। देखिए बढ़िया कमरा है, MCB लगी हुई है और समर सेविल लगा हुआ है, समर सेविल आपको लगा हुआ मिलेगा। और अंदर के कमरे और किचन हम लोग देखते हैं। यहाँ अभी बेसिन के लिए जगह खाली है, बेसिन का काम बाकी है, आप चाहे वॉशिंग मशीन रख ले क्योंकि यहाँ प्लग भी दिया गया है, तो ये काम भी हो जाएगा। तो उसके बाद ये देखिए बाथरूम है जो कि 6x6 का है, बहुत स्पेस है। और ये इंडियन सीट है और ये कमोड के लिए स्पेस दे रखा है, 6x7 का है, सॉरी फ्रेंड्स 6x7 का है, थोड़ा बड़ा ही है। और यहाँ पे ये देखिए नहाने के लिए बाकी टैप दे रखे हुए हैं, 7 फुट की टाइल्स लगी है, गीजर के लिए भी स्विच दे रखा है और लाइट फॉर सीलिंग वाली एक लगी है सेंटर में, और साथ में अलग से आप बल्ब लगाना चाहे या ट्यूबलाइट लगाना चाहे तो उसके लिए भी सॉकेट अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बढ़िया स्पेस है 6x7 की, कंफर्टेबली आप नहा भी सकते हैं, कमोड का यूज़ करना है वो भी कर सकते हैं, दोनों एक ही में है। और यहाँ से बाहर निकलते हैं, सब लाइन से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये गेस्ट रूम था, उसके बाद ये बाथरूम, यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन या फिर बेसिन लगाना चाहे, जो अब टोकन मनी मिल जाएगा उसके बाद। और ये देखिए नेक्स्ट कमरा है, देखिए फॉर सीलिंग लाइट ब्लू डाली, ये कमरा भी कुछ हमें वैसे ही लग रहा है 11x13 का। देखिए बढ़िया कमरा ये भी है, बराबर कमरे हैं 11x13 के, बढ़िया फॉर सीलिंग कर रखी है सारे कमरों में, बढ़िया। और वेंटिलेशन के लिए देखिए यहाँ एक खिड़की दे रखी है, बाहर जाल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अंदर वाला कमरा हो या बाहर वाला कमरा हो, दोनों ही कमरे में सेम टाइल्स है, पावर प्लग है और नॉर्मल स्विच भी दिए हुए हैं, तो एक जैसे ही कमरे हैं, स्पेशियस हैं, बढ़िया कमरा। ये दूसरा कमरा हो गया, उसके बाद यहाँ देखिए एक और, तो यहाँ पे भी देखिए एक पॉइंट दिया है, वॉशिंग मशीन अगर रखना चाहे, और यहाँ पानी भी निकल जाएगा आपका, पानी निकालने के लिए अलग अलग जगह पे निकालने के लिए बना रखा है। और एक ये समझ लीजिए स्टोर रूम टाइप में है, और लाइट इसके ऊपर भी है। और ये देखिए ये करीब हमारे आइडिया से ये करीब होगा 5x6 कुछ ऐसे ही होगा, 5x6। और यहाँ भी लाइटें लगी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर से इसकी लाइट ओपन होगी। और ये देखिए तो ये पूरा कमरा है, 2 लोग खड़े हैं फिर भी स्पेस बहुत है, 5x6 स्टोर रूम आपका है, आराम से आप अपने सारे सामान यहाँ अंदर रख सकते हैं या चेंजिंग रूम बनाना चाहें तो बना सकते हैं।
और जो ये दरवाजे लगे हैं सारे वाटर प्रूफ लगे हैं, और उसके बाद ये किचन है। तो ये देखिए बॉटम किचन है आपका, ये अभी क्योंकि कंस्ट्रक्शन हुआ है तो सेलिंग आउट सेल आउट होने के बाद ही सारी चीज़ें हटेंगी। तो ये देख सकते हैं सारा सामान जो है, बिल्ला पुट्टी और एशियन पेंट और ये सब जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें उन्हीं का इस्तेमाल हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं। ये स्टेनलेस स्टील है और टाइल्स वाइल्स भी लगी है, बस नल वल लगना हर जगह बाकी है, क्योंकि जब फाइनल हो जाएगा तो ये आपको कंप्लीट करा के सारी चीज़ें देंगे। और यहाँ भी फॉल सीलिंग है, देखिए माइनस प्लस। और ये लाइट के लिए आपको बल्ब का यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप चाहे ट्यूबलाइट लगा सकते हैं, दोनों साइड पे बल्ब का ऑप्शन दे रखा है। नीचे भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये किचन था, और किचन का भी साइज देखने में अगर आप देखेंगे तो 10x5 फीट आराम से है, काफ़ी स्पेशियस है। और फ्रिज अगर रखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ सॉकेट भी दिया है, फ्रिज भी यहाँ पर रख सकते हैं क्योंकि स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये नीचे का फ्लोर था, ये सारे कमरे थे, ये किचन है, स्टोर रूम है, और एक ये आपका कमरा है जहाँ बेसिन हो गया, बाथरूम हो गया, और ये गेस्ट रूम। अब चलते हैं ऊपर की तरफ, और ब्लैक मार्बल लगा हुआ है, स्टेनलेस स्टील की ये देखिए रेलिंग है। ऊपर चलते हैं और देखते हैं ऊपर कितने कमरे मिलते हैं। काशी भाई ऊपर कितने कमरे हैं? तीन कमरे ऊपर, नीचे दो हैं, एक स्टोर रूम था। पहले छज्जा देख लेते हैं, और ये डिज़ाइन देख सकते हैं, अच्छी डिज़ाइन है, जब बाहर से आप देखते हैं तो भी आपको देखने में बहुत अच्छा लगता है। बालकनी है, 2 फीट से 2.5 फीट तक की जगह है, 2.5 फीट है ये, और ये बाहर का एरिया है। अभी हम लोग छत पर चलते हैं, इनकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़मीन है यहाँ पे, तो उसकी भी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए छज्जे पे भी एक बेसिन का ऑप्शन दे रखा है, और पानी यहाँ से आराम से निकल जाएगा। और जो भी काम है जी, बेसिन का या नल का, वो सब हम करा के देंगे, सब करा के देंगे। और देखिए कमरे से छज्जे पे आने के लिए भी रास्ता है, और जब जीनों से ऊपर आएंगे तो भी आप इधर से आ सकते हैं। तो आप ऊपर के सारे कमरे देख लेते हैं, और ये स्पेस भी देखिए कितनी बड़ी है, कम से कम 4 फीट बहुत आराम से है। अगर आप यहाँ चाहते हैं कुछ मतलब कुर्सी या मेज डालना तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए सॉकेट दिया हुआ है, एक छोटा सा जो है मिनी किचन जो होता है, वो अच्छा वो बना सकते हैं, वो आप बना सकते हैं। और यहाँ ऑप्शन भी दिया आपको स्विच का भी, कुछ भी करना चाहे, चाहे वॉशिंग मशीन रखे, क्योंकि हर जगह इन्होंने पानी का बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, कहीं भी आप कुछ यूज़ करिए पानी आपका निकल जाएगा। तो पहला कमरा ये है जो कि छज्जे पे फर्स्ट कमरा है, यहीं से बाहर आप छज्जे पे भी जा सकते हैं। स्विच, और ये देखिए फॉर सीलिंग, यहाँ आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत दिख रही है ये। तो पहले कमरे में एंटर करते हैं ऊपर के, और ये कमरा भी उसी के ऊपर सेम साइज़ है, 11x13, इसकी फॉर सीलिंग भी देख सकते हैं, खूबसूरत दिख रही है। और ये पूरा कमरा है देखिए, काफ़ी स्पेशियस है, और ये आपका छज्जे में जाने के लिए रास्ता है जहाँ अभी हम लोग थे। इसको भी देखिए खोल के दिखा दे रहे हैं। तो रूम जितने हैं आप देखिए, लाइट तो जली लेकिन फिर भी बहुत उजाला है। देखिए वापस हम लोग यहाँ से छज्जे पे आ जाएंगे, और उसके बाद ये स्पेस भी देखिए अच्छी खासी है, एक कमरा ये है, देखिए लाइटें हर जगह हैं, लाइट भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे भी देखिए पंखे का ऑप्शन दे रखा है, अगर आप जैसे ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसको यूज़ कर सकते हैं, पंखा वंखा लगा सकते हैं। एक ये देखिए इसकी फॉर सीलिंग अलग डिज़ाइन की है, सारे कमरों में फॉर सीलिंग है, सब कमरे अच्छे हैं। स्पेस के लिए सारे कमरों में वेंटिलेशन के लिए खिड़की भी है, यहाँ भी 2 पावर सॉकेट। तो सेम तरीके से सारे कमरे बनाए गए हैं, सेम टाइल से लगी हैं हर कमरे में। तो चलते हैं नेक्स्ट रूम देखते हैं, 2 रूम कंप्लीट हो गए। ये ऊपर का 3रा रूम है, और दोनों रूम बराबर हैं, और इसकी फॉर सीलिंग भी देखिए अलग डिज़ाइन की है, लेकिन दीवार के कलर एक कलर का है, थोड़ा सा हल्का लाइट है अलग कलर। और ये देख सकते हैं आप बढ़िया टाइल्स लगी है, सारे स्विच पावर सॉकेट सब एक ही तरीके से हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको किसी कमरे में। 2 फ्लोर का बना हुआ है, नीचे वाले कमरे आपने देख लिए, और ऊपर किचन तो मतलब आपने सेपरेट बता दिया, लेकिन इसे बाथरूम, अच्छा ये बाथरूम बना हुआ है, ऊपर भी एक बाथरूम दे रखा है। और यहाँ पर भी देखिए सॉकेट है, आप वॉशिंग मशीन या किसी अलग पर्पज़ से यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। और ये वाला बाथरूम थोड़ा सा छोटा लग रहा है, नीचे वाले बाथरूम से थोड़ा छोटा है। तो यहाँ भी पानी निकलने का है, और इंडियन सीट है, और यहाँ इसमें कमोड का ऑप्शन नहीं है ऊपर, अच्छा ऊपर कमोड का ऑप्शन नहीं दिया है, नीचे कमोड का ऑप्शन है, पानी का टैप का ये है, गीजर और ये सारे सॉकेट हैं, और ऊपर पावर सॉकेट है, और सीलिंग की लाइट यहाँ भी है, और अलग से भी सॉकेट दिया है, लेकिन नीचे वाले बाथरूम से ये करीब 1 या 2 फुट छोटा ही है, लेकिन कम्फर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे आपको सारी चीज़ें मिल ही रही हैं। तो छत की ओर बढ़ते हैं, ये आपने सब एक्सप्लोर कर लिया, और छत क्यों चलते हैं। ब्लैक ग्रेनाइट लगा हुआ है, स्टेनलेस स्टील लगी हुई है,
रखी है, लेकिन ये ओपन नहीं होगी, फिक्स है शो के लिए। तो हम लोग छत पे आ गए हैं, दो मंजिल छत। आज तो मौसम भी देख सकते हैं कैसा बारिश वाला, एकदम काले काले बादल हो रहे हैं। क्या स्क्वायर फीट बताया था काशी भाई आपने? 750 स्क्वायर फीट। ये ग्राउंड एरिया है या फिर ये कवर्ड एरिया है? कवर्ड एरिया है। फ्रंट की तरफ चलते हैं, ये देखिए ऊपर भी फॉर सीलिंग है, लाइटें हैं जो शो के लिए लगा है वो भी लगे हुए हैं, देखिए यहाँ पे भी। और आप चाहे तो यहाँ भी फ़ैन लगवा सकते हैं, यहाँ बैठना हो आपको जैसे आज का मौसम है तो यहाँ फ़ैन लगवा के बैठ सकते हैं। ये देखिए पूरी छत है, और छत पे भी 2.5 फीट का कम से कम छज्जा है, स्टील। और ये देखिए स्टील, और ये देखिए जो शीशे लगे हैं वो डिज़ाइनर शीशों, काफ़ी देखिए मोटे लगे हुए हैं। तो मतलब काम जो है पूरे घर का बहुत अच्छा है, पिलर पे पूरा घर बना हुआ है, हर जगह पिलर हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। देख सकते हैं सारे पिलर काफ़ी करीब हैं, तो मजबूती भी बहुत अच्छी है घर की। और ये एरिया है पूरा, ये जो दुबग्गा के करीब है, मछली मंडी के करीब है, ये फातिमा कॉलोनी पड़ती है। जो लोग जानते होंगे उन लोगों को तो पता होगा, और जो नहीं जानते उनके लिए बता रहे हैं। पानी की टंकी भी लगी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये है नल नहीं लगाए हैं। जब किसी से डील फाइनल होती है उसके बाद आपको नल वल सारी चीज़ें फाइनल करके देंगे। और ऊपर ये हट टाइप में बना है जिसे हम लोग कहते हैं खपड़ैल, तो ये देख सकते हैं जिससे लुक बहुत अच्छा आता है जब सामने से या दूर से कोई घर देखता है। ये देखिए पूरा खाली ऊपर खपड़ैल नहीं है, नीचे से जो शेड दिया है वो देखिए खपड़ैल टाइप में। तो ये पूरा घर था। अब बात करते हैं हम लोग प्राइस की काशिफ भाई से। तो काशिफ भाई प्रॉपर्टी तो पूरी आपकी दिखाई दी है, लोगों ने देख ली, तो उसका प्राइस क्या आपने रखा है? इसका प्राइस रखा है 42 लाख। 42 लाख, 42 लाख, 42 लाख पे। और अगर कोई जैसे बाहर का है वो कहता है भाई मेरे लिए घर को रोक लीजिए, तो उसके लिए कुछ टोकन मनी उनको क्या देना होगा? 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपये। और किसी वजह से मान लीजिए अगर वो 1.5 महीने या 1 महीने बाद कहते हैं यार अरेंज नहीं हो पा रहा है या मैं आ नहीं पा रहा हूँ, तो उस कंडीशन में क्या 5 लाख का पैसे वापस कर देते हैं आप लोग? अगर मजबूरी है उसकी जी तो पैसे वापस कर देंगे। अगर जो है वही टाइम पे अगर पैसे नहीं देते हैं जी तो उनके लिए जो है एक डेढ़ महीना और हम उनके अच्छा वेट कर लेंगे। अगर तब भी नहीं हो पा रहा तब फिर कोई कस्टमर आते रहते हैं फिर दिक्कत हो जाएगी, हमको दिक्कत हो जाएगी बेचने। अगर किसी को प्लॉट चाहिए होगा, अच्छा प्लॉट भी मेरे पास, अच्छा प्लॉट भी अवेलेबल इस एरिया में है, कहाँ पे मतलब? इसी एरिया मिल जाएंगे, 1 से 1.5 किलोमीटर के। अच्छा 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में, मतलब मछली मंडी के कहिए 2 किलोमीटर के एरिया में प्लॉट है अवेलेबल। आप जो है अगर चाहिए होगा तो प्लॉट मिल जाएगा। तो क्या घर भी बनवा के देते हैं आप? काम कंस्ट्रक्शन भी है? अच्छा वो भी करा, मतलब किसी के पास प्लॉट है तो आप कंस्ट्रक्ट करा के देते हैं? हाँ बिल्कुल। तो मतलब उसका कुछ प्राइस फिक्स है या फिर मतलब ये होता है कि क्या आपको बनवाना है क्या नहीं बनवाना, कुछ आइडिया बता दीजिए कंस्ट्रक्शन का? एक स्टोरी बनाता है वो जी, तो कम से कम 1500 से 1600 मतलब मिनिमम स्टार्टिंग है घर कंस्ट्रक्शन की। अगर डबल स्टोरी बनाता है जी तो मान के चलिए जो है 1400-1500। अच्छा मतलब 100-150 रुपए 200 रुपए करीब कम हो जाएंगे। तो देखिए ये पूरी प्रॉपर्टी थी, जिस तरह का काम है वो दिखा दिया, काम अच्छा है, पिलर पे पूरा घर बना हुआ है और 5-5 फीट की दूरी पे कहीं कहीं पे पिलर है जिससे घर की मजबूती बनी रहे। और फातिमा कॉलोनी पे ये घर है दुबग्गा मछली मंडी के पास। नंबर आपको नीचे वीडियो में पूरी देखने को मिली गया है, काशी भाई का नंबर नाम है इनका और इनका पूरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी नाम और नंबर मैंने दे दिया है, व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल हैं ये, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्राइस जो इस घर की इन्होंने कोट करी है वो 42 लाख कोट करी है। बात करेंगे तो भाई थोड़ा बहुत तो आप जानते ही हैं, प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है जो एग्जैक्ट बोल दिया भाई है, लेकिन आप जितना भी कम करा सकते हैं आप कम करा लीजिए। और अच्छी प्रॉपर्टी है, बढ़िया फेसिंग है, ईस्ट की तरफ इसकी फेसिंग है घर की। आप देखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं या आप कहीं बाहर के हैं तो टोकन मनी देके इस घर को रिजर्व कर सकते हैं, और कुछ दिनों बाद कुछ महीने बाद आके इसकी रजिस्ट्री है वो आप करा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इस तरह की और भी प्रॉपर्टीज़ और इस तरह के और भी जो कंस्ट्रक्शन वाले घर हैं या कंस्ट्रक्ट घर हैं या फिर ज़मीन है, जो पता चलता रहेगा मैं आपको दिखाता रहूँगा, जिससे आपको आइडिया लग सके और कैसा घर है अंदर से कैसा बना है, और अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं तो उसको ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।